मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। वहीं लगातार मुख्यमंत्री उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं की विधानसभा में अधिकारी कर्मचारी सामग्रियों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार जो भोजन के पैकेट दिए जा रहे हैं उसमें सब्जी पूरी बदबूदार एवं पूरी की मात्रा भी 4 या 5 दी गई। यहाँ वितरण किया जाने वाला भोजन एक दिन पहले का बासी भोजन होने के कारण उसमें बदबू आने लगी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इससे अच्छा तो आप हमें भोजन ना दें, मामा जी के राज में भूखा ही रह लेंगे। अब सवाल यह उठता है कि एक तो प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे ग्रामीण, जो कि बाढ़ में उनकी गृहस्थी का सभी सामान बह गया था या खराब हो गया है, वहीं अधिकारी बाढ़ पीड़ितों के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन इस ओर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं गया। वहीं ग्राम पंचायत आम्बा जदीद अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़गांव निवासी राकेश मालवीय का कहना है कि उनका राशन कार्ड में नाम न होने के कारण उन्हें केरोसिन नहीं दिया गया। वहीं भोजन के जो पैकेट आए हैं वह भी 2 से 3 दिन पुराने बासी आए थे, सब्जियों में बदबू आ रही थी, इसी कारण से उन्होंने अपने मवेशियों को यह भोजन खिलाया। वहीं गुलाब सिंह मालवीय बड़गांव निवासी का मकान क्षेत्र में आई बाढ़ से ढह गया, जिसमें प्रशासन की ओर से सुध लेने वाला कोई नहीं है। घर से बेघर होकर बाहर खुली धूप में अपना आशियाना बनाए बैठे हैं। वहीं उन्हें राहत में जो भोजन के पैकेट वितरित किए गए वह सरपंच और सचिव के द्वारा 2 दिन पुरानी बासी सब्जियां एवं पूरी पैकेट दिए थे, उसमें मात्र 4 पूरी थी। ऐसे में एक और पूरा क्षेत्र जलमग्न होने के कारण लोगों के खाने के लाले पड़ गए। वहीं मजबूरी में उन्हें 2 दिन का बासी भोजन खाने को मजबूर होना पड़ा। वहीं डिमांबर निवासी बसंत राम यदुवंशी ने बताया कि नर्मदा में आई बाढ़ में खाने का करीब 4 से 5 क्विंटल गेहूं पूरा खराब हो चुका है एवं गृहस्थी का सारा सामान तहस नहस हो गया है, दूसरों के घर में जाकर गुजारा कर रहे हैं। नसरुल्लागंज से नितिन मालपानी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी? ग्राम पंचायत कौन सी आपकी? ये नर्मदा में जो बाढ़ आई थी इस समय पानी, तो इसके आपका क्या नुकसान हुआ? इसमें हुआ साहब कम से कम 60-70 हज़ार का। 60-70 हज़ार का। रहने के लिए मकान की व्यवस्था क्या है? अब कहीं व्यवस्था नहीं, आप देख लो जो व्यवस्था, जब धूप में ही सोए बैठे हैं हम, तो धूप में ही सो रहे हैं। भोजन पानी की प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था हुई थी आपको? 2 रोज पूरी मिली थी बस। कहाँ से? आमा जदी सेक्रेटरी लग दी थी। अच्छा, क्या क्या दिक्कत आई उसमें पूरी में? आप पूरी में दिक्कत जी, सब्जी बिल्कुल बिसी हुई दही और पूरी भी बासी दही। कितने दिन बासी होगी? लगभग 4-6 रोज की। मतलब बासी भोजन आप लोगों को यहाँ पर आके मिला, फिर आप लोगों ने उसे खाया? नहीं खाया। नहीं खाया जी। नहीं खाया, नहीं खाया। फिर आपने अपना गुजारा कैसे कराया 2-3-4 दिनों में? क्या कह रहे, गांव में से दिए लोगों ने, लाला कहीं कहीं रिश्तेदार में से। बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुँच गया था आपके मकान में? यहाँ ना कम से कम 8 फीट पानी था मकान के ऊपर। मकान तो पूरा डूब गया था जितने बड़ा। यहाँ पे सरपंच का नाम क्या है? गणेश राम। और सेक्रेटरी कौन है? संतोष सेक्रेटरी बेबी सुखुशबाई है। संतोष खुशबाई। तो इनके द्वारा आपको यहाँ भोजन व्यवस्था की गई थी? हाँ। तो भोजन भी जो आया मतलब वो भी बासी भोजन दिया गया आपको? ताजे भोजन की कहीं से कोई व्यवस्था नहीं? फिर आप लोगों ने उस भोजन को खाया या वापसी करा? खाया भी साहब और वापसी भी करी, बताया सही है। इस बात की शिकायत की आपने कहीं पर? कहीं भी नहीं करी जी। कोई अधिकारी आपके पूछने के लिए आया? कोई नहीं आया। मदद के लिए कोई भी नहीं आया। क्या नाम है आपका? बसंत राम। कहाँ के निवासी हो? बड़गांव। पंचायत कौन सी है? आमा। क्या समस्या है आप लोगों की? सर समस्या क्या है जो देख लो आप, मतलब कोई नहीं जगह, जो घर जैसे है मैं नहा रहता था इसमें ना, जहाँ कोई अपना गाँव भी भेज गए, वो तो गाँव तो गाँव चावल दाल जो भी है मतलब सामान अपना कपड़े लत्ते कोई व्यवस्था नहीं मिली। प्रशासन से आपको कोई मदद मिली? नहीं सर, अभी तो कोई मदद नहीं मिली। आपको बाढ़ जब आपके क्षेत्र में आई थी तब आपको भोजन के पैकेट वगैरह मिले? नहीं मिले। मिले भोजन के पैकेट तो बासा मिला सर, उतर गई जब उतरने के बाद जी। तो कितने दिनों तक आप लोग वैसे ही रहे बिना भोजन के? तीन दिनों तक जी। आपने कोई भोजन वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाई? मतलब ये घर आपका पूरा पानी में डूबा हुआ था जी, कि मकान से कितना ऊपर पानी था यहाँ? मकान मतलब 2-2 फीट मकान है, मतलब डूबे रहता मतलब पूरा। क्या नाम है आपका? राकेश मालवीय। कहाँ के निवासी हैं? बड़गांव के। ग्राम पंचायत कौन सी है आपकी? आम्बाजदी। क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या ये है साहब, मैं बाढ़ पीड़ित हूँ, मेरा राशन कार्ड में नाम नहीं था नहीं। मेरे को तेल यहाँ तेल बांटने आ, तेल नहीं दिए मेरे को, बोले कि आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है। अब मैं क्या जलाऊँ, क्या करूँ उसमें?
भोजन पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं, बासी पूरी दी थी वो भी 3-4 रोज में ला कर दी थी, जब बाढ़ उतर गई तब तो बासी पूरी थी और बासी सब्जी थी। अच्छा, जब पानी भरा हुआ था उस टाइम पे आप लोगों ने भोजन की व्यवस्था कैसे की? कुछ भी नहीं, 2-3 रोज भूखे रहा, उसके बाद में जैसे ही पानी उतरा तो ये गांव लोगों एक दो पूरी मतलब रोटी सब्जी जो भी व्यवस्था जिन लोग से जैसी बनी वैसे करता गया, और क्या मतलब आप लोगों ने सिर्फ ग्रामीणों की मदद से जो आपको पास भोजन मिला है उसी भोजन से आपने अपना गुजारा किया? सरकार तरफ से कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, मिला भी तो वो भी मतलब कुल मिला के बासी मिली तो लोगों ने ढोर को खिला दिया, क्योंकि खबाते ही नहीं है। अच्छा, घास लेट जो आपको मिलने वाला था जो यहाँ पर वितरण हुआ, कुल भी नहीं दिया गया? नहीं, कुछ भी नहीं दिया, बोला आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है। जो आपको भोजन का पैकेट मिले थे उनमें पूरियों की संख्या कितनी होगी? सब 4 पूरी थी और 1 मिर्ची थी। अच्छा, उसके बाद सब्जी का उसी के साथ रखी हुई थी? अलग से थी सब्जी, अलग से थी सब्जी, पन्नी में बंदी हुई कन कप की। अच्छा, बासी सब्जी दी गई थी? बासी सब्जी दी गई।